हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरलास रसोई। आज का हमारा रेसिपी है उड़द दाल से बनाया चकली। अब वीडियो पूरा देखिए। एक कप उड़द की दाल है, इसको धोना है पानी से दो तीन बार, अच्छी तरह साफ करना। अभी ये साफ हो गया, फिर हम डालना है इसको कुकर में। फिर पानी दीजिए, साथ में थोड़ा सा नमक भी दीजिए। अभी ये कुकर बंद करके सीटी देना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाना है। अच्छे से पक गया, इसको हम ठंडा होने के लिए एक दिन बर्तन में उतार। दाल अच्छा पक चुकी है, अभी थोड़ा ठंडा भी हो गया। अभी इसमें हम डाल देंगे चिल्ली पाउडर 2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी 1/2 चम्मच, नमक और थोड़ा सा हींग, और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये चावल का पाउडर 1 कटोरी, अभी 2 कटोरी। फिर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके जोड़ना है, और साथ में 1 चम्मच के लिए घी भी दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। और हम देंगे थोड़ा सा तेल, तेल भी देके अच्छे से मिक्स करके फेंटना है। यही है हमारा चकली बनाने का अच्छे। ये हमारा आटा भी रेडी है, गोल लेके इसका अंदर दीजिए। फिर इसको बंद करके वाला आपका जो चम्मच लेना उसी का ऊपर इसी तरह घुमा दीजिए। फिर आप इसको ऐसे पलट दीजिए, तभी आपको इसी से ये निकल जाए। फिर से इसके ऊपर करना, बस ऐसे पलट दीजिए। ये बहुत इजी तरीका है मुर्ग बनाने का। फिर इसका थोड़ा पलट दीजिए बीच में, बीच बीच में ऐसे इसको पलट के रहिए। और ये वाला अब रेडी हो गया, हम निकाल रहे हैं। ये भी थोड़ा रेडी हो गया, इसको भी हम निकाल रहे हैं। टाइम नहीं चाहिए, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। चकली पूरा अभी बन गया। 1 कप उड़द दाल और 2 कप राइस का पाउडर से यही साइज का हम अभी 70 चकली बन गया। ये बहुत टेस्टी है, देखिए बहुत क्रंची है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये चकली बनाने का मेरा तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।